साडा मुआशरा इंतहाई ज़्यादा तबाही का शिकार हो चुका है। खुसूसन इस मुआशरे के अंदर औरत अपने हकूक की आड़ लै के इस्लाम जैसी अजीम दीवार को गिराना चाहती है। कई मरतबा औरत मार्च हो रहे ने जे सानू हकूक दिते जान इस्लाम ने आन के साढ़े ते पाबंदियां लगाइया। मैं यह मुगालता दूर करना चाहना कि इस्लाम ने आन के औरत नू आज़ादी दिलवाई। इस्लाम तो कबल और इस्लाम तो बाद इस औरत की जिंदगी किस तरह की सी। इस्लाम तो कबल हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दी सही बुखारी अंदर कि एक आदमी अपनी बीवी नू तलाक देंदा, इद्दत खत्म होने ते आई फिर रुजू कर लेंदा, फौरन तलाक दे देंदा, फिर इद्दत खत्म होने ते आई रुजू कर लेंदा, फिर तलाक दे देंदा। अम्मा फरमाउंदियां ने हत्ता कि इस तरह सौ सौ मरतबा खावंद अपनी बीवियां नू तलाक दे जांदे, रुजू करी जांदे, ना उन्हां नू वसांदे ते ना उन्हां नू तलाक दे के आज़ाद ही कर दे, ना उन्हां नू अपने घर रख दे, ना मुहब्बत प्यार दिना जिंदगी गुजार दे, ना ही तलाक दे के किसी और वास्ते उन्हों आज़ाद कर दे। हुण नबी अली सलातो व सलाम आए इनकलाब लैके रहमत बन के आप अली सलाम ने आन के इस मसले के अंदर औरतों नू इस जुल्म जबर दे विचों निकाल लिया, औरतों नू रिहाई दिलवाई, आज़ादी दिलवाई। फरमा अत्तलाक मर्रतान فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ। फरमाया नबी अली सलाम आए आज तो बाद तुहाडे कोल सिर्फ दो चांस, दो मौके, तलाक दो इद्दत दे दौरान रजू हो गया फाबेहा, फिर तलाक अगर रजू हो गया फाबेहा, तीसरी तलाक तो बाद वो औरत तुहाडे ते हराम है, किसी सूरत भी तुहाडे नाल दोबारा निकाह नहीं हो सकता, इल्ला के कसूरत है औरत किसी और मर्द ना निकाह करे, रहन की नीयत दे नाल, वसन की नीयत दे नाल ओ तलाक दे दे या उहदा खावंद फौत हो जाए, फिर इस सूरत दे नाल इहदे खावंद दे पहले खावंद दे नाल नवें निकाह तो आ सकती है। यानी कि दो मौके, दोवां तो बाद औरत नूं आज़ादी दिलवाई तो नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दे जे कि काई नहीं, जनाब मुहम्मद उची बोलो जनाब मुहम्मद। मैं ना कुछ बता समझाउनी है, मैं तवज्जो मेरे पर रखियो। तलाक के मसले अंदर औरत नू आजादी दिलवाई ते किसने फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। बोल दे के का ही नहीं, जरा उची कहो सुभान अल्लाह, फिर उची को मैं दुआ करा। अल्लाह जरा उच्ची कह रहे ने इसे साल उन्हें अपने घर बैतुल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा, जरा होली कहते अगले साल ले जा, फिर भी बोल दे कोई नहीं। फरमा लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह फरमाते ने असी मोमिनों ते एहसान फरमाया, अल्लाह जी आसमान बना के एहसान फरमाया, जमीन बना के एहसान फरमाया, अल्लाह जी तुसी ते बड़िया ही नेमता अता कीतिया ने, अल्लाह जी तुहाड़िया नेमत गिनन लग पीए, शुमार ही नहीं हो सकता, बिन मंगिया जिसम का एक एक उज़्व अता फरमाया, अल्लाह जी केड़ी नेकी किस नेमत का एहसान। अल्लाह फरमाते ने सारिया नेमत एक तरफ है, लेकिन आ जी नेमत है रसूला, जो मैं तुहाडे विचों एक रसूल मबूस फरमाया जिन्हें आयतां पढ़ पढ़ के तुहाडा तजकिया नुस करदा रहा, जिहड़ा आयतां पढ़ पढ़ के तुहानू जुल्मों जबर तो निकालदा रहा। हजरात इको तबके की गल करिए, औरतों मेरे मुस्तफा ने जमाना जाहलीयत दे जुल्म तो बचाया। दूसरा मसला मतवफा औरत, जिस औरत का खामद फौत हो जाए उसकी इद्दत कितनी है। उलमा ते तलबा ना बोलियो, जिस औरत का खामद फौत हो जाए इद्दत कितनी है, उची बोलो। कई जलसा जाके पुछ लो, उन्होंने पता ही नहीं होता, जलसे हजारा रुपया ला देंगे, इलम पल कुछ नहीं गा, चार महीने ये तो याद रहेगा ना। जिस औरत का खामद फौत हो जाए उसकी इद्दत कितनी है, चार महीने। चलो कम अज कम यही पल पै जाए। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल
एक औरत आई है सही मुस्लिम अंदर है, सुनो नबी दाऊद अंदर सही रिवायत है, बीबी आंदी है सोनिया मेरी बेटी दा खामद फौत हो गया, ओदियां अखा दर्द कपया कर रही ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी इद्दत दे दौरान मेरी बेटी अखा च सुरमा पाना चाहती है, इजाजत दे दीती जाए ना, आप इस्लाम ने इजाजत नहीं दीती। थोड़ी देर तो बाद ये बीबी फिर आई है, मबू सोनिया मेरी बेटी बड़ी तकलीफ अंदर है, इजाजत दे दीती जाए ना, आप फरमांद ने बीबी उस वेले नूं भुल गईयां जे जदों औरतां दी इद्दत इक साल होया कर दी है, जमाना जाहिलियत दे अंदर अगर औरत दा खामद फौत हो जांदा ओदी इद्दत इक साल होया कर दी है, उस औरत नूं कैद कर दिता जांदा, एक कमरे अंदर बंद कर दिता जांदा, उस कमरे अंदर ना ते इहनूं गुसल ही करन दिता जांदा, उस कमरे दे अंदर ना इहनूं पूरा साल कपड़े ही बदलन दिते जांदे, हत्ता कि इहनूं नमक तो बगैर खाना खिलाया जांदा। तू सुन लिया आसान है, मैं असर सुना दिता आसान, नमक तो बगैर खाना खा खा के इंसान का जिस्म जहरीला हो जाया करता, अजय नहीं पता चलिया। अगले हदीस के लफ्जों पर गौर करें, जे जो एक साल इधर गुजार लेंदी, एक साल इधर गुजारन तो बाद इस औरत की झोली के अंदर ऊंटनी दियां या बकरी दियां मेंगना डाल दितियां जांदियां, इंज मेंगना पकड़ के लोगों वल फेंक दी है ताकि लोगों को पता चल जाए मेरी इधर खत्म हो चुकी है, ताकि लोग मेरे नाल पैगाम मैनू पैगामे मंगनी पे जे मेरे ना निकाह कर लैन। आका फरमाते ने एक साल जुलम तो बाहर निकलती है, अंज लोगों वल मंगनियां में जा मेंगनियां पै सुटदी है, हत्ता के कदी जानवर लियांदा जांदा, कदी गधा लियांदा जांदा, कदी कबूतर लैके आंदे, नमक तो बगैर खाना खाने की वजह दो औरत का जिसम इन्ना जहरीला है, जदों इस औरत के जिसम के नाल गधे नूं मलिया जांदा, इस औरत के जिसम के नाल कबूतर नूं मलिया जांदा, आका फरमाते ने इन्ना जहरीला जिसम है, मलदियां मलदियां कदी कबूतर भी मर जांदा, गधा भी मर जांदा, इन्ना जुलम इन्ना जहरीला जिसम। तुसीं मुशाहदा कर लो, तीन चार दिन नमक तो बगैर खाना खा के देखो इंसान के जिसम में जहर पैदा हो जाएगी। फरमाया इतना जुल्म है ना औरतां दे, हुण मेरे मुस्तफा आए ने, वल्लज़ीन युतवफ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बसन बि अनफुसिहिन्न अरबअत अशहरिन व अशरा। हुण मेरे पैगंबर आए ने, आका फरमांदे ने उस ज़माना जालिया दे अंदर औरतां दे जुल्म करन वालियो, औरतां नूं एक एक साल कैद करन वालियो, इन्हां नूं गुसल ना करन देण वालियो, इन्हां नूं कपड़े ना बदलन देन वाले हो, इन्हां नूं नमक वाला खाना ना खिलाने वाले हो। सुन लो नबी पाक आए ने, रहमत बन के आए ने, फरमाया अज तो बाद इन्हां औरतां दे सारे जुलम बंद, एक साल की बजाय चार महीने दस दिन इद्दत है, इन्हां चार महीनिया दसा दिनों के अंदर औरत गुसल भी कर सकती है, सादा कपड़े भी पा सकती है, नमक वाला खाना भी खा सकती है। हत्ता के मेरी जमात का मौकफ है, इंतहाई ज्यादा लाचार, इंतहाई ज्यादा लाचार हो जाए घरों मजबूरी के तहत कोई चीज लैन वास्ते भी जा सकती है, ये आजादी दिती है। तो नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजादी दी है। फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन,